गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो अभी तक हमारे मैथ्स के अंदर टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट हुए, मीन्स लगभग हमारा 50% कोर्स कंप्लीट हो गया। अब सपोज गवर्नमेंट कोई भी चैप्टर डिलीट करती नहीं है और आपकी फर्स्ट एग्जाम होगी, हमें फर्स्ट एग्जाम के लिए सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, एक ट्राइंगल और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन। यही 2 चैप्टर हमारे फर्स्ट एग्जाम के लिए रिमेनिंग, यानी कि 2 चैप्टर चलाएंगे तो हमारे फर्स्ट एग्जाम का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एवरी संडे आपको टेस्ट आने वाला है, बराबर है? 2 टेस्ट हमारे हो गए 2 चैप्टर के। अब अगले संडे डिटरमाइन करके हम लोग फिक्स करेंगे कि ये वाले चैप्टर का हम लोग टेस्ट रखने वाले, यानी कि जितने भी 7 चैप्टर हुए वो 7 चैप्टर आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहे। और भी एक बात स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स है वो मेरा सब्जेक्ट है और साइंस आपका सब्जेक्ट है, समझ लो मेरे कहने का मतलब। जो मैथ्स है वो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें कैसे मार्क्स लाने वो मुझे पता है, आपको अच्छे से मार कर पीट कर कुछ भी करके मार्क्स में ला दूंगा, बट साइंस आपका सब्जेक्ट है। मेरा काम है साइंस के अंदर समझाना, जो भी क्वेश्चन में समझाऊंगा, देखो मैंने जो मटेरियल बनाया वो सेंड भी करूंगा और जरूरत पड़ेगी तब जेरोक्स भी मिलेगी, बराबर है? तो साइंस डेली टू डेली जितना भी चले, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा रूल्स है, पहले से रूल्स है, साइंस में डेली ओनली 1.5 से 2 थियोरी चले, यानी कि 2 थियोरी तो आप लोग घर पे बैठ के इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको साइंस में 90 अप मार्क्स लाने, कितने मार्क्स लाने हैं भाई? 90 अप, मुझे तो 99 अप ही अच्छे लगते हैं, बराबर है? अगर आपको 90 अप मार्क्स लाने हैं तो डेली टू डेली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक ये प्रेजेंट ईयर में मेरे 3 स्टूडेंट ऐसे जिनके 99 मार्क्स है, नया साइंस था, पहली बार मैंने पढ़ाया था तो भी 99 मार्क्स आए, मैंने पूरा मटेरियल उनको दिया था वही उन्होंने प्रिपरेशन की। प्लीज आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना, समझ गए? जो भी मटेरियल मैं दू जो भी बोलू वो कंपलसरी आपको प्रिपरेशन कर दे, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं बोलूंगा चलो टेक्स्ट बुक ओपन करो, जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो खास ध्यान क्या रखें, जब भी साइंस चले, मैंने पहले बोला मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, साइंस आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स मुझे प्रिपेयर करवाना है, कैसे करवाना है मुझे आता है, साइंस आपको प्रिपेयर कर रहा है, मीन्स डेली जितनी थियरी चले उतनी थियरी डेली टू डेली आपको क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट, प्रिपेयर करनी पड़ेगी, समझ गए? तो फिर देखो एग्जाम आते आते आपको साइंस का डर बिल्कुल नहीं रहेगा और जितना चलाया उतना प्रिपेयर कर दोगे, मेरी गारंटी आप 95+ निकल जाओ। मेरे डबल स्टूडेंट के भी प्रेजेंट ईयर में 85 मार्क्स है, 85 भी लोग बहुत कम स्टूडेंट है, सारे 85 अप है और बहुत सारे उनके 90+ मार्क, वो लोगों ने डेली टू डेली प्रिपरेशन की, जो भी टेस्ट आया वो टेस्ट कंपलसरी किया, टेस्ट की अच्छी प्रिपरेशन की, आप लोग भी वो ही करोगे, यानी कि हमारा टारगेट है मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करे भाई 95 अप मार्क पेपर के अंदर स्कोर करे। अब हम लोग देखेंगे हमारे साइंस के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो 16 चैप्टर है, 1 to 16। लाइक फर्स्ट नंबर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड नंबर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड नंबर है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ नंबर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सभी का वेटेज है। लाइक जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। आप लोग इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वहां पर लिखोगे तो भाई जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वेटेज है 4 मार्क्स, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट उसका जो वेटेज है वो 4 मार्क, थर्ड नंबर है मेटल एंड नॉन मेटल इसका वेटेज है 5 मार्क। अब स्टूडेंट ध्यान रखो
पांच बी हो सकता है, छह बी हो सकता है। ये चैप्टर ऐसा है मेटल और नॉन मेटल, इसमें से आपको कंपलसरी सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन आने वाला है। सेक्शन डी के अंदर ये वाले चैप्टर में से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। फिर फोर नंबर का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री तीन टाइप की होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मीन्स आपके घर के अंदर आप खाने का सोडा यूज करते हो, वो जो कंपाउंड है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं भाई, बेकिंग सोडा यूज करते, प्रिपरेशन भी करेंगे। यहाँ पर है एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर एंडिंग में प्रेजेंट है। आप धोने का साबुन भी बनाओगे, आप अभी तो लॉकडाउन के अंदर चल रहा है, आपके पापा ने कपड़े धोने का भी सीख लिया होगा, लड़के आप लोगों ने कपड़े धोने के भी सीख लिए होंगे, तो उसके अंदर आपने वॉशिंग सोडा यूज किया होगा, उसकी प्रिपरेशन है। बेकिंग सोडा यानी कि भजिए बनाए होंगे या तो ढोकड़े बनाए होंगे, उसके अंदर बेकिंग सोडा यूज किया, उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर ब्लीचिंग करने जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर की भी प्रिपरेशन इधर प्रेजेंट है। तो फोर नंबर का चैप्टर है, तो मैं बात कर रहा था ये बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, नमक जिसको बोलते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अपने घर के अंदर घी यूज करते हैं। फिर अभी सैनिटाइजर आप यूज करते हो, वो सैनिटाइजर है, वो कौन सा कंपाउंड है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिजिकल केमिस्ट्री अभी आपको पढ़ने की नहीं है, वो आप 11th 12th में जाओगे वहां पर पूरी आएगी। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ स्कूल वालों ने तो घाव पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा, बराबर है। हम लोग सबसे लास्ट में इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर चलाने में हमको मिनिमम 20 डेज चाहिए। कितने डेज चाहिए भाई, 20 दिन। 20 दिन तक ये चैप्टर चलेगा तभी जाकर आपको कुछ समझ में आएगा, समझ गए। चल इसके बाद में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अभी तक आप लोग पढ़ते पढ़ते 9th स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से 3rd या 4th चैप्टर में आप पढ़े थे कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अभी वर्ल्ड में कितने प्रेजेंट है, 114, ओरिजिनल में 118 है, बट बुक हमारी गीता है, बुक में जो दिए हो वो भाई बराबर है कि भाई बुक में दिए 114 एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट है वो कौन से है भाई, मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट और सेमी मेटालिक एलिमेंट। वो एलिमेंट को अलग अलग क्लास के अंदर क्या करना पड़ता है भाई, क्लासीफाई, उसका पूरा चैप्टर है ओरिजिनल में हमारे ओल्ड कोर्स के अंदर। ये वाला चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में आता था। आप लोग थोड़े बड़े हो गए, गवर्नमेंट समझती है आपकी बुद्धि थोड़ी कम है, इसलिए 9 में से चैप्टर को किधर लेकर आए भाई, 10th स्टैंडर्ड के अंदर लेकर आ गए। यानी कि 1 to 5 जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के चैप्टर। 6 नंबर लाइफ प्रोसेस, ओरिजिनल में ओल्ड कोर्स में 2 चैप्टर हुआ करते थे, 12 नंबर एंड 13 नंबर। 12 नंबर था न्यूट्रिशन, 13 नंबर था ट्रांसपोर्टेशन। वो दोनों चैप्टर मिलाकर यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर बनाए, 6 नंबर लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर के अंदर आप डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे, लाइक न्यूट्रिशन पढ़ोगे, फिर डाइजेशन पढ़ोगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे, एक्सरेशन पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, ह्यूमन का जो हार्ट है वो हार्ट की आप लोग स्टडी करोगे, ये सब कुछ ये वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड। यानी कि 2 चैप्टर मिलाकर हमारा एक सिंगल चैप्टर बना है, कौन सा भाई, लाइफ प्रोसेस। इसके बाद में 7 नंबर का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत टफ चैप्टर है। जैसे बोले ना कुछ इंसान विचित्र टाइप के होते हैं, ऐसा ये वाला चैप्टर है, विचित्र टाइप का चैप्टर है। जब चलेगा तब आपको पता चलेगा कि कैसा चैप्टर है। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्या भाई, एक तो ह्यूमन ब्रेन की स्टडी कर रही है, हमारी बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अगर कोई है तो क्या है भाई, ह्यूमन ब्रेन। वो ब्रेन की ये चैप्टर के अंदर क्या करोगे भाई, आप लोग स्टडी करोगे। फिर 8 नंबर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर आप लोग 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए थे, बट वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल था। यहाँ पर आप पूरे सेकेंडरी लेवल के ऊपर पढ़ोगे, यानी कि डिटेल के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन के स्टडी करोगे, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन, एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सभी की आप स्टडी करोगे। इसके बाद में 9 चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन,
हेरिडिटी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि भाई आपके मम्मी पापा के कैरेक्टर आपके अंदर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हेरिडिटी। और इवोल्यूशन का मतलब आपको मैं पूछो कि भाई ह्यूमन बीइंग स्पीस में से प्रोड्यूस हुए, आप में से 90% अभी बोल गए होंगे बंदर में से बने, इसमें से बने भाई बंदर, इसके कारण आपके कैरेक्टर बंदर जैसे। शांति से बैठो ना बेचारा, वो तकिया मुंह में पाट रहे रे भाई, ऊंचा नीचा मत हो, बराबर। यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बाद में ये जो चैप्टर है वो बायोलॉजी के चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से लेके 9 तक के जो चैप्टर है वो बायोलॉजी के चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जरा मार्किंग सिस्टम लिख ले। तो भाई 4 नंबर का मार्क्स है 6 मार्क, 5 नंबर 4 मार्क्स, 6 नंबर 6 मार्क, देखो 6 मार्क का पूरा चैप्टर है। 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन डी में आना कंपलसरी है, स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, चैप्टर नंबर 6 में से 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर कंपलसरी है। एक तो सेकंड चैप्टर लिख डालो, 4 मार्क के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे, एक सेकंड चैप्टर में से आएगा, बराबर, 4 मार्क का क्वेश्चन। दूसरा मेटल एंड नॉन मेटल में से आएगा, यानी कि थर्ड नंबर पे। तीसरा कार्बोनेटेड कंपाउंड में से आएगा पे। लाइव प्रोसेस में से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बराबर है। ए चैप्टर 7 का वेटेज है 5 मार्क का, इसमें से 2-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 6 मार्क का वेटेज है, इसमें से भी लगभग आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, देख लेंगे हम लोग, तो भी लिखो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 9 5 मार्क का वेटेज है। चैप्टर नंबर 10 6 मार्क का वेटेज है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसका 5 मार्क का वेटेज है। 10 पढ़ोगे 11 अपने आप आ जाएगा, दोनों बहुत मस्त चैप्टर है। फिर 12 नंबर इलेक्ट्रिसिटी, से तो बच के ही रहना है, समझ गए ना, घर में भी बच के रहते हैं, यहाँ पर भी बच के रहना है। 12 नंबर और 13 नंबर, 12 का वेटेज है 6 मार्क, 13 का भी वेटेज है 6 मार्क। ये 12 या 13 दोनों में से कोई एक चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन डी में आएगा, बराबर है। फिर 14 नंबर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, 4 मार्क का वेटेज है। फिर अवर एनवायरमेंट, 3 मार्क का वेटेज है। और लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका भी 3 मार्क का वेटेज है, यानी कि टोटल हमारा जो पेपर है वो 80 मार्क का पेपर आएगा। 4 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव आएंगे 16 मार्क के, फिर सेक्शन बी के दो अंदर 2 मार्क के, लगभग मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 24 मार्क का आपका सेक्शन बी, यानी कि 24 प्लस 16 करो, नहीं सॉरी 3 8 24, सेक्शन बी मेरे ख्याल से आपका 18 या 16 मार्क का है, सेक्शन सी 3 मार्क का है और 24 मार्क का है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज सेक्शन सी का है, और सेक्शन डी जो है वो आपका 20 मार्क का है। सेक्शन ए 16 मार्क का, सेक्शन बी, सेक्शन ए 16, सेक्शन बी आपका 20 मार्क का, सेक्शन सी 24 मार्क का, और सेक्शन डी आपका 20 मार्क का, ऐसा पूरा सेक्शन। यहाँ पर 16 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क के, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल ऑप्शन प्रेजेंट होगा, वो चैप्टर चलेगा तब बताएंगे। यहाँ पर 8 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको पेपर के अंदर 39 क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन फेस करने के 39। बट जब भी पेपर लिखे स्टूडेंट इतनी चीज ध्यान रखो, जब भी पेपर लिखे सबसे पहले आपको पेपर की शुरुआत कहां से करनी है, आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे होते सेक्शन ए से पेपर की शुरुआत करते, कभी भी सेक्शन ए से पेपर की शुरुआत नहीं कर रही है, क्योंकि उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक मार्क के 16 क्वेश्चन,
वहां पर आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा, और थिंकिंग करना वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है, हम लोग ह्यूमन ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो सबसे लास्ट में लिखना है, जिसके लिए टाइम बचा कर रखना है। अगर सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन ओपन है, कौन से क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं, यानी कि सबसे पहले सेक्शन बी लिखोगे, बढ़िया वाला प्रिपेयर करके, चार बार के क्वेश्चन, फिर सेक्शन सी लिखोगे, ये भी आपको आते होंगे, इसमें क्वेश्चन कभी भी ट्विस्टेड नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, फिर सेक्शन बी लिखोगे, और लास्ट में कौन सा लिखोगे, सेक्शन ए। क्योंकि जब भी पेपर की शुरुआत करें, अगर आपको सेक्शन बी बहुत अच्छे से आता है, तो सबसे पहले कौन से लिखोगे, डी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वेटेज चार मार्क का है। अगर ई से शुरुआत करोगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, लास्ट में सेक्शन डी में क्या होगा भाई, क्वेश्चन आते होंगे, तो भी आपके एक या दो क्वेश्चन रह जाएगा। समझ गए स्टूडेंट, इसलिए डी पहले लिखेंगे। अगर इसमें से एक आध दो रह गए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, दो मार्क जाएंगे, बट इससे एक रह गया तो सीधे चार मार्क चले जाएंगे, समझे। यानी 8% वेटेज हुआ एक क्वेश्चन का, वो जाना नहीं चाहिए। यानी कि डी पहले लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे, बी, और ए को कहां पर रखना है, सबसे लास्ट में रखना है। और 9 में आप जो साइंस पढ़े, 9 स्टैंडर्ड के अंदर आप साइंस पढ़े, उससे अगर मैं बोलूं एकदम इजी साइंस हो तो 10 स्टैंडर्ड का, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, डेली टू डेली प्रिपरेशन करोगे, तो 10 स्टैंडर्ड का साइंस 9 स्टैंडर्ड के साइंस से बिल्कुल इजीएस्ट है। 9 में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, यहाँ पर ऐसी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत मजा आएगा आपको, साइंस याद भी रहेगा। 9 में तो कुछ याद नहीं रहता, तो वो थियोरी डिराइव करते थे, बराबर सारे फॉर्मूला डिराइव करते थे, वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन 10, at इज इक्वल टू, ये सब डिराइव करते थे। उसने बहुत सारे प्रॉब्लम थे, f इज इक्वल टू मां आती थी, डंडा लेकर आती थी ना मां, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम रहते थे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, आपको बहुत मजा आएगा, समझ गए। तो चलो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर भाई, सबसे पहले तो बायोलॉजी में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ की शुरुआत कहां से होती है भाई, लाइफ प्रोसेस से होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो भाई लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे, तो भाई अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं। लाइक आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप भी क्या करते हो भाई, डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, लाइक आप रेस्पिरेशन करते हो, आप न्यूट्रिशन लेते हो, आप क्या करते हो भाई, एक्सरेशन करते हो, आप मूवमेंट करते हो, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हो, ये सारी जो एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं भाई, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो भाई लाइक आप घर से साइकिल लेकर निकले और स्कूल में पहुंचे, इसको क्या बोलते हैं भाई, मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मूवमेंट। या तो आप जब भी बॉर्न हुए तब कैसे थे भाई, लगभग पौने फीट के, कितने थे भाई, पौने फीट या तो 1 फीट के थे, बट अब आज देखो तो आपकी हाइट किसी की 3 फीट रह गई, कोई 4 फीट या हो गया, कोई 5 फीट या हो गया, यानी कि वो आपका कौन सा ग्रोथ हुआ भाई, वर्टिकल ग्रोथ, कौन सा हुआ भाई, और कुछ लोग ऐसे है उनका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो गया, बराबर है। यानी कि आपका दो टाइप का ग्रोथ हुआ, कौन सा, वर्टिकल ग्रोथ भी हुआ, दूसरे कुछ लोग ऐसे जायंट बन गए। 10 स्टैंडर्ड में देखो तो लगते हैं कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ते हो, हाइट 6 साढ़े 6 फीट, बॉडी का वेट देखो 100 kg, यानी कि ये सारी जो एक्टिविटी है वो आपका ग्रोथ हुआ, ये सारी जो एक्टिविटी है इनको क्या बोलते हैं भाई, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं, और वो सभी एक्टिविटी के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी। तो भाई अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती है भाई, डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, और वो सारी एक्टिविटी करने के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी।
लाइक सोचो अब जब बॉर्न हुए, बॉर्न हुए उसके बाद में 6 महीने के बाद में आपकी मम्मी ने डिफरेंट टाइप के बाजार में से फूड लाके खिलाने की आपको शुरुआत कर दी। अभी भी कुछ लोग तो दूध में बॉर्नविटा मिलाकर पीते हैं, पीते कि नहीं पीते, बॉर्नविटा के बगैर दूध पीते नहीं है। अरे भाई अब आपको बॉर्नविटा की जरूरत नहीं, आप बड़े हो चुके हो, समझ गए ना, बॉर्नविटा मत पियो, वो तो छोटे बच्चों के लिए, अब आपको बॉर्नविटा की कोई जरूरत नहीं है। यानी वो आपके ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। इसलिए क्यों जरूरी है भाई, आपका ग्रोथ कब हो सकता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तब आपका ग्रोथ हो सकता है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा उससे आपको क्या मिलेगी भाई, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तभी जाकर आपका क्या होगा भाई, प्रॉपर ग्रोथ होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट हम लोग क्या बोल रहे थे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई, डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, और एक डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है भाई, न्यूट्रिशन, अरे सॉरी, डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड से क्या करता है भाई, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। हमें एनर्जी जो मिलती है वो एनर्जी किसने से मिलती है भाई, न्यूट्रिशन में से मिलती है। तो भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई, डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी हमें किसने से मिलती है भाई, फूड यानी कि न्यूट्रिशन में से मिलती है। ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं भाई, अपना न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन करते हैं। कभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक और दूसरे कौन से भाई, हेटरोट्रॉपिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से भाई, दो टाइप के, ऑटोट्रॉपिक, दूसरे कौन से भाई, हेटरोट्रॉपिक। तो भाई जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। लाइक उसमें से फर्स्ट नंबर के ऑटोट्रॉपिक, कौन से है भाई, ऑटोट्रॉपिक, यानी कि ऑटोट्रॉपिक किनको बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप बनाता है, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है इनको क्या बोलते हैं भाई, ऑटोट्रॉपिक। यानी कि ऑटोट्रॉपिक यानी ऑल ग्रीन प्लांट, वो सारे कौन से भाई, ऑटोट्रॉपिक। और ये ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड अपने आप बनाते। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, फर्स्ट कौन से, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन सी मेथड से भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं भाई, अपना फूड अपने आप बनाते। बल दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉपिक है, कौन से है भाई, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। हम लोग किसके अंदर आते हैं भाई, हेटरोट्रॉपिक के अंदर। हम लोग किसके ऊपर भाई, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेबल रहते, लाइक ग्रीन प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर, हम लोग अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेबल रहते हैं। ये जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को इंजेस्ट करते, क्या करते हैं भाई, बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते। इंजेस्ट करने के बाद, इंजेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, डॉक्टर जब हमें बुखार आया हो तो डॉक्टर बोलता है इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा भाई, इंजेक्शन। इंजेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, बॉडी के अंदर एंटर करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, इंजेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई। ये जितने भी सारे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करते हैं भाई, ऑब्टेन करते। ऑब्टेन करने के बाद करते हो ना, मुंह में फूड डालते हो, नाक में डालते हो, क्या करते हैं भाई, फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते। इंजेस्ट करने के बाद उसका क्या होता है भाई, हमारे बॉडी के सभी पार्ट के अंदर उसका एब्सॉर्प्शन हो सके, ऐसे स्मॉलर पार्ट के अंदर उसका क्या होता है भाई, कन्वर्जेशन, क्या होता है भाई, कन्वर्जेशन,
लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड आया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप जो भी फूड लेते हो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि भाई एक तो प्रोटीन, आप दाल खाते हो प्रोटीन होता है, चावल खाते हो कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाते हो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, आप सब्जी का यूज करते हो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के विटामिन प्रेजेंट तो होते हैं, करके हम लोग जो भी फूड यूज करते हैं वो फूड के अंदर फूड के मेन थ्री कॉम्पोनेंट कौन से भाई, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फिर फैट विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। बट हम तो क्या करते हैं सबको मिक्स फॉर्म ले लेते हैं, इसके बाद में वो कहां पर जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पर जाने के बाद उसका सीन क्या होता है, सबका सेपरेशन होता है, यानी कि प्रोटीन अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, फैट अलग होता है, विटामिन अलग होते हैं, मिनरल अलग होते हैं, यानी कि इंजेस्ट करने के बाद बॉडी के सभी पार्ट के अंदर एब्सॉर्ब हो सके, ऐसे स्मॉलर पार्ट के अंदर उसका क्या होता है कन्वर्जेशन, और कन्वर्जेशन होने के बाद बॉडी के सभी पार्ट के अंदर उसका क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मेथड बोलते हैं। अब ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट, यानी कि ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किधर होते, ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट होते, वो हमारे ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट होते, और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो फूड मटेरियल का वहां पर क्या होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन, क्या होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन, और जब भी सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है फूड के पार्टिकल में से क्या रिलीज होती है एनर्जी, क्या रिलीज होती है एनर्जी, तो याद रखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक है कि भाई कौन सी प्रोसेस से बाय विच प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, बाय विच प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, तो फूड में से कौन से प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है भाई रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते वो प्रोसेस से एनर्जी है वो क्या होती है भाई रिलीज होती है, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो हम लोग क्या करते हैं भाई अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्या था स्टूडेंट भाई इंट्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं भाई डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते, वो एक्टिविटी करने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ती है भाई एनर्जी, कभी जितने भी सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो एक्टिविटी करने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ती है भाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से ऑब्टेन करते हैं भाई फूड में से ऑब्टेन करते हैं, आप मैं दूसरे एनिमल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कहां से ऑब्टेन करते हैं भाई फूड में से ऑब्टेन करते हैं, ये जो फूड रिक्वायर्ड करने की भाई जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट मेथड से, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं भाई अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करते हैं भाई ऑब्टेन करते, लाइक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, एक है ऑटोट्रॉपिक और दूसरे कौन से भाई हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं भाई सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके अपना फूड अपने आप बनाते, कौन से प्रोसेस से बनाते भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वाई जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हम लोग आगे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेबल रहते हैं, जितने भी सारे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जितने भी सारे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले फूड को क्या करते भाई इंजेस्ट करते, इंजेस्ट करने के बाद वो फूड का क्या होता है भाई ऐसे स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्जेशन होता है जिसके कारण बॉडी का ईच पार्ट इसको क्या कर सकती है भाई एब्सॉर्ब कर सके, और थर्ड नंबर ये जो एब्सॉर्ब फूड है उसका बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या होता है भाई यानी कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर तीन प्रोसेस, पहले फूड को वो क्या करते हैं इंजेस्ट करते हैं,
सेकंड नंबर में क्या आता है भाई, बॉडी के ईच पार्ट के अंदर एब्सॉर्ब हो सके, ऐसे स्मॉलर यूनिट के अंदर, स्मॉलर पार्ट के अंदर उसका कन्वर्जेशन होता है। और थर्ड नंबर के अंदर क्या आएगा भाई, ये जो एब्सॉर्ब फूड है बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर उसका क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये जो फूड कहां पर ट्रांसपोर्ट हुआ भाई, ईच एंड एवरी सेल के अंदर। क्योंकि फूड जो डाइजेस्ट हुआ उसके स्मॉलर यूनिट बने, वो सारे स्मॉलर यूनिट कहां पर ट्रांसपोर्ट होते हैं भाई, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के अंदर। अब सेल के अंदर एक प्रोसेस होती है सेल्युलर रेस्पिरेशन, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब डिटेल के अंदर इसकी स्टडी करेंगे सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या है। आगे हम लोग बढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन बराबर है। तो सेल के अंदर सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है, और जब भी सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है तो फूड के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल में से क्या रिलीज होती है भाई, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है भाई, एनर्जी। तो कौन सी प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, बाय विच प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड। तो कौन सी प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस। देखो स्टूडेंट, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन ए के अंदर फेस करने यहाँ पर आ ही जाएंगे, क्लियर। तो कौन से प्रोसेस से फूड के पार्टिकल में से एनर्जी रिलीज होती है भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस। गलती से डाइजेशन मत लिख देना, गलती से डाइजेशन मत लिख देना। एनर्जी तो कौन सी प्रोसेस से रिलीज होती है भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो हम लोग क्या करते हैं भाई, अपनी डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए यूज करते। चलो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, टेक्स्ट बुक में से ध्यान रखने के लिए रखोगे, मैं जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ोगे। चल इसके नीचे आता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, उसके नीचे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो भाई लाइफ प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस। चार मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क। तो भाई व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये 4 मार्क का क्वेश्चन। यहां से आपके चैप्टर की शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन हमें आज ही प्रिपेयर कर देना, क्लियर। चलो फर्स्ट व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, अब ध्यान से सुनो, भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे, भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अलाइव करने के लिए डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल फंक्शन करता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव या अलाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा रखने के लिए, आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एक सॉन्ग था ना बराबर, याद कर लो कौन सा था मुझे पता नहीं है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने वो है ना जिंदा रहने के लिए, एक सनम चले क्या सनम सनम करते दफट बनाओ ध्यान रखो। तो भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा किसी को बोलना मत ना, चलो तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप, मैथ्स में कॉमेडी नहीं होती, साइंस में तो बहुत सारी कॉमेडी होती, चिंता मत करो अब खुश हो जाओ। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फंडामेंटल फंक्शन करता है। आप अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अलाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल फंक्शन करते हो। ये जो फंडामेंटल फंक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई, लाइफ प्रोसेस।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं भाई, डिफरेंट काइंड ऑफ फंडामेंटल फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन है, कभी व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो द मेन फंडामेंटल फंक्शन, द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन कौन सी है भाई, तो द मेन फंडामेंटल फंक्शन, द मेन फंडामेंटल फंक्शन। देखो स्टूडेंट, ये जो मैं डेफिनेशन बोलता हूं दो बार बोलू, फिर जब तीसरी चौथी और पांचवी बार रिपीट हो आपको भी वीडियो के साथ में बोलनी है, मिस आपको मेमोराइज हो जाएगी। क्लियर, मैं अकेला बोल बोल कर उसका कोई मतलब नहीं, दो बार मैं बोलू तीसरी बार हमारी हर एक डेफिनेशन पांच से छह बार रिपीट होगी, यानी कि आपको इसके साथ में दूसरी बार से जब तीसरी बार आए आपको मेरे साथ में क्या करना है, ट्राई करना है। जैसे जैसे ट्राई करोगे क्या होगा भाई, आपको मेमोराइज हो जाए। क्लियर, यानी 80% थियरी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी, सिर्फ 20% आपको घर पे बैठ के तैयार करनी पड़ेगी। तो लाइफ प्रोसेस क्या बोलती है, द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो फंडामेंटल फंक्शन को क्या बोलते हैं भाई, लाइफ प्रोसेस। तो बोलो तो व्हाट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, तो द मेन फंडामेंटल फंक्शन। देखो जितनी स्पीड से हम लोग लिख सके उतनी स्पीड से ही बोलना, समझ गए, जितनी स्पीड से आप लिख सको उतनी स्पीड से ही पढ़ना है, फिर ऐसे नहीं द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, वर्ड अलग अलग करके जितनी जल्दी से आप लिख सको। क्लियर, तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन कौन सी, द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। चलो बोलो व्हाट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। आया कुछ समझ में, फिर से बोलो व्हाट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और मेन लाइफ प्रोसेस है ये आठ नाम, अब आपको याद रखने बराबर है स्टूडेंट, और ठीक है फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे बराबर है। आठ नाम लिखने के लिए पहले तो आठ लाइन बिगाड़ेंगे। देखो मार्क चोरी करने की एक कला होती है, आठ बोलते हैं, कैसे मार्क को चोरी करते हैं, आठ नाम आप एक ही लाइन में लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक नेम है। मेन लाइफ प्रोसेस कौन सी, हमारे फंडामेंटल फंक्शन कौन से, फर्स्ट है न्यूट्रिशन, फर्स्ट कौन सा है न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर कौन सा है रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर एक्सरेशन, फर्स्ट कौन सा न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर कौन सा रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर कौन सा भाई एक्सरेशन। जिनके नेम याद रखोगे, फर्स्ट कौन सा न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर कौन सा रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर कौन सा एक्सरेशन, फोर्थ नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या बार लाइन सर याद रखे तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर ट्रांसपोर्टेशन,
या तो अदर वर्ड में इसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं, बराबर। फिर फोर्थ नंबर में एक्सक्रीशन, फिफ्थ नंबर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिक्स नंबर में ग्रोथ, सेवन नंबर में मूवमेंट और एट नंबर में रिप्रोडक्शन। ये हमारे मेन फंडामेंटल फंक्शन है, लाइफ प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है भाई? लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले व्हाट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन तो बहुत सारी बार रिपीट होगी। व्हाट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, तो द मेन फंडामेंटल फंक्शन, द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और मेन लाइफ प्रोसेस कौन सी? फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर कौन सी भाई? न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, थर्ड कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, फोर्थ नंबर कौन सी भाई? एक्सक्रीशन, फिफ्थ नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिक्स नंबर ग्रोथ, सेवन नंबर कौन सी भाई? मूवमेंट, और एट नंबर कौन सी भाई? रिप्रोडक्शन। ये हमारी मेन लाइफ प्रोसेस है, ये एक नेम आ गए, बाकी का खुद लिख पाओ, क्लियर। तो फर्स्ट व्हाट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, तो द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कौन से कौन से? फर्स्ट कौन से? न्यूट्रिशन। चलो न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई? फूड को ऑब्टेन करता है, और ऑब्टेन करने के बाद बॉडी के सभी पार्ट के अंदर एब्सॉर्ब हो सके, ऐसे स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई? फूड को इनटेक करता है। तो भाई द इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्जेशन इनटू स्मॉलर यूनिट, कन्वर्जेशन इनटू स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करता है भाई? इनटेक करता है। इनटेक करने के बाद उसको बॉडी के सभी पार्ट के अंदर एब्सॉर्ब हो सके, ऐसे स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिशन। क्लियर। फर्स्ट लिखेंगे न्यूट्रिशन, फिर उसका एक स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्या लिखेंगे? पहले एक नेम, फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने आपको पैम्फलेट भेजा, इसके अंदर है। तो न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद बॉडी के सभी पार्ट के अंदर एब्सॉर्ब हो सके, ऐसे स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिशन। चलो सेकंड नंबर की लाइफ प्रोसेस कौन सी? रेस्पिरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि फूड के पार्टिकल में से एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? रेस्पिरेशन। क्लियर। फर्स्ट कौन सा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करेंगे? इनटेक। इनटेक करने के बाद उसको क्या करेंगे भाई? स्मॉलर एब्सॉर्बेबल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? न्यूट्रिशन। सेकंड नंबर कौन सा है भाई? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल या तो फूड पार्टिकल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर। चलो थर्ड नंबर कौन सा है भाई? ट्रांसपोर्टेशन, या तो क्या बोलते हैं भाई? सर्कुलेशन। जो भी फूड आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हुआ, स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हुआ,
उसको बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर सेंड करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। लाइक समझो आपने फूड का यूज किया, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मटेरियल आए, उसका डाइजेशन हुआ, उसमें से फूड के कंपोनेंट सेपरेट हुए, कार्बोहाइड्रेट सेपरेट हुआ, प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल ये सेपरेट हुए। सेपरेट होने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत किसको है भाई? आपकी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को जरूरत है। तो ईच एंड एवरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन, या तो क्या बोलते हैं भाई? सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं भाई? यानी डाइजेस्ट जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन, या तो क्या बोलते हैं भाई? सर्कुलेशन। और ये जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो किसकी मदद से होता है भाई? ब्लड की मदद से। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। इसके अंदर एब्सॉर्ब होगा भाई ब्लड, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, उसकी मदद से फूड मटेरियल हमारे ईच एंड एवरी सेल के अंदर क्या होगी भाई? ट्रांसपोर्ट होगी। फर्स्ट कौन सा? न्यूट्रिशन, यानी कि फूड को इंटेक करेंगे, स्मॉलर एब्सॉर्बेबल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? न्यूट्रिशन। सेकंड नंबर कौन सा भाई? रेस्पिरेशन। कब है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल। कब है? फूड मटेरियल में से एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं भाई? रेस्पिरेशन। थर्ड नंबर कौन सी भाई? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो स्मॉलर यूनिट बने फूड मटेरियल के, स्मॉलर यूनिट बने बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर, ईच एंड एवरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। फोर्थ नंबर है एक्सक्रीशन। फोर्थ नंबर कौन सा है भाई? एक्सक्रीशन। यानी जब भी हमारे सेल के अंदर फूड मटेरियल का डाइजेशन होगा, सेलुलर एक्सक्रीशन होगा, उसमें से हार्मफुल पॉइजनियस सब्सटेंस बनेंगे जिनको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं भाई? वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल बॉडी में से रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? एक्सक्रीशन। जब भी हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर को बॉडी में से रिमूव करने की जो प्रोसेस है ये वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्सक्रीशन। यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से रिलीज करने की, यानी कि जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं, वो हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस को एक्सेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्सेटरी सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस को टाइम के ऊपर हमें बॉडी में से क्या करना पड़ता है भाई? रिलीज करना पड़ता है। वो रिलीज करने की जो प्रोसेस है, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्सक्रीशन। फिफ्थ नंबर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब भी एनवायरमेंट चेंज होता है, एनवायरमेंट के अंदर जितने भी सारे चेंजेस हो उसके सामने हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है, वो प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस के सामने बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सपोज समझो आप क्लासरूम में एकदम शांति से बैठे हो, आपका दोस्त आकर आपको क्या करे भाई? कान के अंदर सलीब घुसाए। क्या घुसाए भाई? या तो मस्त बूढ़े बिछके सो गए हो, आपकी छोटी सिस्टर या छोटा ब्रदर आकर आपके कान के अंदर सलीब कर, तुरंत हम लोग क्या करते हैं भाई? दौल मारते। या तो समर सीजन के अंदर दाबे के ऊपर सो गए हो, वहां पर कान में आके पूछते हो मच्छर कौन कौन हो। क्या पूछते भाई? कौन कौन? भले आप
कितनी भी नींद में हो तुरंत धड़ाम करके क्या ठोकते थे भाई, दौड़ ठोकते। कौन सी प्रोसेस के कारण होता है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल जब भी विंटर सीजन आती है, जब भी विंटर सीजन आती है हमारी बॉडी हमें मैसेज देता है भाई अब सलमान खान बनने की, या लड़कियों को बोलता है ऐश्वर्या राय बनने की आदत छोड़ दो, पुराने जमाने के जो स्वेटर मम्मी ने धोकर रखे वो बाहर निकालो और पहनकर घूमो, देता है ना। ये कौन सी प्रोसेस के कारण होता है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या जो समर सीजन जब भी आती है, समर सीजन जब भी आती है हमारी बॉडी हमें मैसेज देती है डबोर अब ठंडी नी सीजन जती रही तो आ स्वेटर वेटर काटी ने मुंह बागा जेवो लागे छे, देती है कि नहीं देती मैसेज? स्वेटर निकाल कर पतले कपड़े पहनकर घूमते, ये कौन से प्रोसेस के कारण होता है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आता है कुछ समझ में? यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है भाई? एनवायरमेंटल चेंजेस के सामने बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो इसके बाद में क्या आता है भाई? ग्रोथ। तो बॉडी के स्मॉलर पार्ट से लेके बॉडी के कोई भी पार्ट की साइज इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है, बॉडी के कोई भी पार्ट की साइज इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ग्रोथ। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप जब भी बॉर्न हुए आप एक फीट ये थे कि नहीं थे? अब क्या हो गया, जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे आपका क्या हुआ भाई? वर्टिकल ग्रोथ भी हुआ और कुछ लोगों का क्या हुआ भाई? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो गया। शायद रिक्शा तो कम पड़ेगी, एपी रिक्शा लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी भाई? एपी रिक्शा। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं भाई? ग्रोथ। यानी कि बॉडी के स्मॉलर पार्ट से लार्जर पार्ट की साइज बढ़ने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ग्रोथ बोलते हैं। इसके बाद में आता है मूवमेंट। क्या आता है भाई? मूवमेंट। तो भाई बॉडी के स्मॉलर पार्ट से बिगर पार्ट का, बॉडी के स्मॉलर पार्ट से लेके बिगर पार्ट का हम लोग क्या करवा सकते हैं भाई? मूवमेंट। लाइक आप अपने घर से साइकिल लेकर स्कूल के ऊपर गए या तो बाजार के अंदर गए, यानी कि हम लोग अपने बॉडी के सभी पार्ट को क्या कर सकते हैं भाई? मूवमेंट करवा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई? मूवमेंट बोलते हैं, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? लोकोमोशन। और सबसे लास्ट में रिप्रोडक्शन। कौन सा है भाई? रिप्रोडक्शन। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वो जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई? रिप्रोडक्शन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वो जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई? रिप्रोडक्शन। बोलो स्टूडेंट, अपने लाइफ प्रोसेस वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो व्हाट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे? चलो फिर से डेफिनेशन आप लोग बोलोगे, मुझे सुनाई देती है। चलो बोलो, लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे? द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ फंडामेंटल फंक्शन करेगा, वो फंडामेंटल फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। मेन लाइफ प्रोसेस कौन से? फर्स्ट नंबर कौन से भाई? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करता है भाई? इंटेक करने के बाद उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? स्मॉलर एब्सॉर्बेबल यूनिट। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेकंड नंबर कौन सा है भाई? रेस्पिरेशन। कौन सा है भाई? रेस्पिरेशन। तो द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड मटेरियल में से एनर्जी को रिलीज करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस। थर्ड नंबर कौन सा है भाई? ट्रांसपोर्टेशन। जो भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ भाई? डाइजेस्ट हुआ, उसको बॉडी के सभी पार्ट के अंदर ईच एंड एवरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ नंबर कौन सा है भाई? एक्सक्रीशन।
जब भी रेस्पिरेशन होगा बॉडी के अंदर क्या बनेंगे वे वेस्ट मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से रिलीज करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, एक्सरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्सरेशन। फिफ्थ नंबर की प्रोसेस कौन सी, कंट्रोल है कोऑर्डिनेशन। एनवायरमेंटल चेंजेस के सामने हमारी बॉडी हमें क्या करती है भाई, प्रोटेक्ट करते कुछ टाइप के मैसेज देती है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स नंबर की प्रोसेस कौन सी, ग्रोथ, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट की साइज इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, ग्रोथ बोलते हैं। जब आप बॉर्न हुए छोटे छोटे आपके हैंड थे, छोटे छोटे आपके लेग थे, छोटा छोटा बॉडी था, अब बड़ा हो गया, क्या हो गया भाई, बड़े बड़े हैंड हो गए, बड़े बड़े लेग हो गए, इसको क्या बोलते हैं भाई, ग्रोथ बोलते हैं। फिर कौन सा आता है भाई, मूवमेंट, यानी बॉडी के पार्ट का मूवमेंट करवाने की जो प्रोसेस है, स्मॉलर से लेके बिगर पार्ट, अभी आप अपने हाथ हिलाते हो उसको क्या बोलते हैं भाई, मूवमेंट बोलते हैं। और सबसे लास्ट प्रोसेस है वो कौन सी है भाई, रिप्रोडक्शन। कौन सी है भाई, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा अपनी स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ। देखो स्टूडेंट, आज ये एक ही क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करोगे, मैंने पहले ही बोला है आपकी एक से दो थियरी चलेगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैंने आपको पैम्पलेट तो भेजा है, वो पैम्पलेट के अंदर नेक्स्ट दो क्वेश्चन तीन बार पढ़ के बैठना तो आपको मजा आएगा, वरना मैं तो गप्पे मारूंगा, समझ गए। इसके आगे जो भी दो क्वेश्चन आते वो दो क्वेश्चन आपको पढ़ के बैठने, पढ़ के बैठोगे तो जल्दी से आपको कितनी बार पढ़ने, तीन बार से पढ़ने के लिए पढ़ना, तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए नहीं पढ़ना है भाई, सिर्फ पढ़ के बैठो। मैं जब भी साइंस स्टार्ट होगा जो भी मैं थियरी समझाऊंगा लाइन सर आपको याद रहे, क्लियर। यानी कि अब क्या करेंगे, आज का एक क्वेश्चन है लाइव प्रोसेस वो प्रिपेयर कर लेंगे। चलो तो आज एक क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, आगे दो क्वेश्चन जो भी आते हैं वो कल आप पढ़कर बैठो तो आपका बहुत मजा आएगा मेरे ख्याल से। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक शायद आता होगा तो पढ़ के बैठो, क्लियर। चलो एक जॉक सुना देते हैं, गुजराती ना भाई तानी हिंदी बहुत मजा ना भाई। अत्यारे तमे बधा इंग्लिश मीडियम में भणो छो, क्या मीडियम में भणो छो, इंग्लिश मीडियम। आपणे एक बेन हता चारुल बेन, बराबर, इंग्लिश मीडियम में 1-10 स्टैंडर्ड सुधी भणे, भण्या एटले केवा इंग्लिश मीडियम वाला नु इंग्लिश केटलुं बधुं पावरफुल है मने खबर छे। तो एमने गोठ्या बहु भाव, हुं बहु भाव भाई गोठ्या। पछी एक दिवस एक दुकाननी अंदर गामडानी अंदर गया, लॉकडाउन आई गयुं, लॉकडाउनमां गामडामां गया, गामडामां नानकडी करियाणा स्टोर्स हती तो दुकानमां गया, दुकानमां जईने पेला गोठियाना पॉलीपेक लबड़ायेला, अने गोठिया उपर अलग 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 नाम आ, अने एक गाठिया उपर नाम लखेलू ते जोयुं, भाई दुकान वाळाने आम बहु पाछा शुं के सिटीमां रहेला खरा ने थोडुं अभिमान होय, एकदम शुद्ध भाषामां बोले के दुकान वाळाने के आ बधा गाठियानो शुं भाव छे, बधा पेकेटना 10 रूपया भाव छे, बधा गोपालना गाठिया छे। कोना गाठिया छे भाई, गोपालना। पेला बेन बोल्या, पेला वेनिला गाठिया आपो ने, चारू बेन शुं बोल्या, बोल्या पेला वेनिला गाठिया आपो ने, पेलो दुकान वाळो के डोबे ए वेनिला गोठिया नहीं वणेला गोठिया छे, क्या गोठिया छे, वणेला गोठिया। चलो आज इतना रखते, कल आगे देखिए।